जय हिंद दोस्तों, कैसा हो आप सब। तो पिछले महीने मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है फैक्ट का, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लो, ये थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज संडे है, तो मतलब आज क्यों ने का दिन है, और आपका कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वाले क्यों ने वीडियो से पिक किया हूँ और आज के इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन किया है हर्षदीप सिंह ने, ये पूछ रहे हैं कि विल M11 गेट वन यू आई 3.1.1 और 3.5 और 4.0 अपडेट। तो हाँ, ये तीनों अपडेट M11 को मिलेगा, क्योंकि M11 जब लॉन्च हुआ था तब एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हुआ था। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि सैमसंग के M सीरीज़ को दो एंड्रॉयड का मेजर अपडेट मिलता है, तो एंड्रॉयड 11 इसको मिल चुका है और एंड्रॉयड 12 वन यू आई 4.0 के साथ आएगा, मतलब 4.0 तो इसको मिलेगा ही, और उससे पहले जितना भी वन यू आई का अपडेट आएगा सभी मिलेगा। तो हाँ, ये सभी अपडेट M11 को मिलेगा। अगला सवाल किया रणधीर ने, ये पूछ रहे हैं कि ब्रो M21 में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है क्या। इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है M21 इसमें कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि अपडेट के बाद कुछ लोगों का नेटवर्क में बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये कमेंट देखो आप, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इनके फ़ोन में दो सिम ये इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर वोल्ट ही शो नहीं कर रहा ठीक सही से। तो ऐसा ही बहुत सारा कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों के M21 फ़ोन पर नेटवर्क का बहुत सारा इशू देखने को मिल रहा है। तो हाँ, M21 नेटवर्क इशू है, बट सभी फ़ोन पर नहीं है। अगला सवाल किया सूरज कुमार ने, ये पूछ रहे हैं कि M31 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट और नॉट, एंड इन फ्यूचर विल वी गेट 5G सपोर्ट और नॉट। तो इन्होंने बेसिकली दो क्वेश्चन किया है। सबसे पहले कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है कि नहीं M31। तो M31 कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट नहीं करता, मतलब जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है, बट सैमसंग ने नहीं दिया इस फ़ोन में कैरियर एग्रीगेशन। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि फ्यूचर में 5G आ सकता है कि नहीं कोई अपडेट्स है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 5G के लिए 5G प्रोसेसर चाहिए, और M31 में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कोई 5G प्रोसेसर नहीं, वो 4G प्रोसेसर है, वहाँ पर कोई 5G बैंड नहीं देखने को मिलता, इसीलिए 5G नहीं आएगा कोई अपडेट के साथ। अगला कमेंट है साहिल मनहार का, ये पूछ रहे हैं कि M21 का अपडेटेड न्यू एडिशन 21 जुलाई को अमेजोन पर आने वाला है, उसका रिव्यू बनाओ। तो इन्होंने बेसिकली लॉन्च से पहले ये कमेंट किया था, और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो, वहाँ पर मैंने बताया कि इस फ़ोन में क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा और आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो इस फ़ोन को बाई करने का, तो पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद बाई कर लो। अगला सवाल किया ए जोकर ने, ये पूछ रहे हैं कि विल सैमसंग गैलेक्सी M11 गेट एंड्रॉयड 12 अपडेट, प्लीज़ रिप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले मैंने दे दिया, जहाँ पर एक क्वेश्चन था कि M11 को वन यू आई 4.0 का अपडेट मिलेगा कि नहीं। तो वन यू आई 4.0 के साथ ही एंड्रॉयड 12 आएगा, इसलिए M11 को एंड्रॉयड 12 का अपडेट मिलेगा। और इतना सियोरिटी के साथ मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हो तो उस टाइम स्टैम्प पर जाओ, जहाँ पर ये क्वेश्चन है कि M11 को वन यू आई 3.5, 3.1.1 और 4.0 का अपडेट मिलेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन किया है ऋषभ ग्रोवर ने, ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर यूजिंग गेम प्लग इन माई BGMI FPS इज 35 बट आई ऑन एक्सट्रीम FPS। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था M21 के अपडेट के बाद BGMI टेस्ट के ऊपर, और वहाँ पर मुझे 50-60 FPS के बीच में FPS कॉन्स्टेंट FPS मिल रहा था। और उस वीडियो के कमेंट्स पर बहुत सारे M21 यूजर्स मुझे बोल रहे थे कि उन लोगों के फ़ोन में 35-30 FPS से ज़्यादा नहीं उठता, तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। और बेसिकली इन्होंने भी यही क्वेश्चन किया है कि इनके फ़ोन में गेम प्लग इन यूज़ करने के बावजूद भी FPS 35 ही दे रहा है, और एक्सट्रीम पर FPS है फिर भी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपने फ़ोन पर FPS को इंक्रीज कर सकते हो BGMI के अंदर, तो आप मुझे कमेंट पर बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। अगला क्वेश्चन किया है सतीश देवाशीष ने, ये पूछ रहे हैं कि वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ कैसे यूज़ करें M21 में। तो जब मैंने M21 परचेज़ किया था तब तो ये ऑप्शन था, वहाँ पर एक वाईफाई शेयरिंग का ऑप्शन था कि आप कोई भी वाईफाई से कनेक्ट करके आप शेयर कर सकते थे हॉटस्पॉट के थ्रू, लेकिन अभी वो ऑप्शन नहीं है, अपडेट के बाद ये ऑप्शन हटा दिया गया है, तो ये ऑप्शन अभी आपको नहीं मिलता। तो क्योंकि ये ऑप्शन अभी नहीं है, इसीलिए आप वाईफाई हॉटस्पॉट को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर मुझे इसका कोई सलूशन मिला, कोई मेथड मिला, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कोई एक वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर रोमा यादव बोल रहे हैं कि ब्रो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ग्लिच है ना उसका सलूशन इंस्टा पे मैसेज किया है, जाओ देखो एक बार और अगर होगा इफेक्टिव तो वीडियो बनाना। तो मैंने आपका मैसेज देखा, और पिछले हफ्ते बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसीलिए बहुत ही बिजी हफ्ता था वो,
और इसी वजह से मैंने इसको ट्राई नहीं कर पाया। तो मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ग्लिच ठीक हो गया तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आपको क्रेडिट भी दूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो पर पूछा था, और वहाँ पर बहुत सारा रिपीटेटिव क्वेश्चन था जिनको मैंने पिक नहीं किया हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन आप मत करो, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का आंसर इससे पहले मैंने बहुत सारे Q&A वीडियो पर दे चुका हूँ। तो आप कुछ नया क्वेश्चन पूछो मुझे, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो यहाँ पर। तो आप क्वेश्चन करो और हैशटैग आस्क नियो लगाना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो।